नमस्कार दोस्तों, अब तक हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी को पूरी तरह से कवर कर लिया है। कल हमने क्लास 7 की एनसीईआरटी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बताया था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन एनिमल को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। उसमें मैंने बताया था न्यूट्रिशन इन प्लांट में कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, या कौन से प्लांट जो है वो पैरासाइट होते हैं और कौन से प्लांट इंसेक्टिवोरस होते हैं। तो इन सब का एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से हैं और पैरासाइट प्लांट कौन से हैं, इन सब का एग्जाम्पल अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए मास का टॉपिक डिस्कस करते हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में है ऊल। इसको वैसे मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी में बताया था, फिर भी हम इसको रिवीजन के लिए बता देते हैं कि नेचुरल नेचुरल फाइबर क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो किससे मिलते हैं? प्लांट एंड एनिमल से, एंड एनिमल से मिलते हैं। नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो मिलते हैं किससे? प्लांट और एनिमल से। तो इसमें जो कॉटन कॉटन और जूट फाइबर होता है, जूट फाइबर होता है वो किससे मिलता है? जूट फाइबर होता है ये मिलता है प्लांट से, ये प्लांट से मिलता है। कॉटन एंड जूट फाइबर ये प्लांट से मिलता है। और जो इसमें जूट फाइबर है वो किससे मिलता है? स्टेम स्टेम ऑफ जूट, जूट प्लांट से मिलता है। नेचुरल फाइबर के अंतर्गत आता है ऊल, ऊल एंड सिल्क फाइबर, एंड सिल्क फाइबर ये किससे मिलता है? ऊल एंड सिल्क फाइबर ये एनिमल से मिलता है, एनिमल से मिलता है। ऊल एंड सिल्क फाइबर किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। ऊल किससे मिलता है दोस्तों? ये ऑप्टेन होता है ज्यादातर हमें किससे? सीप से। मोस्टली हमें ऊल किससे ऑप्टेन होता है? सीप से। तो याद रखिएगा ऊल किससे मिलता है? सीप से ऑप्टेन होता है। एंड गोट से मिलता है, यॉक से भी मिलता है। जो ये सिल्क फाइबर है, ये सिल्क फाइबर है ये मिलता है किससे? ऑप्टेन होता है किससे? फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क वर्म, ककून ऑफ सिल्क वर्म से मिलता है। इसको अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे कि ककून ऑफ सिल्क वर्म से सिल्क कैसे ऑब्टेन होता है। दूसरा फाइबर होता है दोस्तों सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर ये बनता किससे है? ये मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंस से ये मिलके बनता है। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर मिलके बनता है केमिकल सब्सटेंस से। इसका एग्जाम्पल होता है पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर एंड नाइलॉन, नाइलॉन इसका एग्जाम्पल होता है। ये जो दोस्तों ऊल है इसको मैंने बताया किससे ऑप्टेन होता है? सीप से ज्यादातर ऑप्टेन होता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए जो गुड गुड क्वालिटी ऑफ ऊल है ये किससे मिलता है? ये मिलता है लोही, लोही ब्रीड ऑफ सीप से, लोही ब्रीड ऑफ सीप से मिलता है गुड क्वालिटी ऑफ ऊल। और ये जो लोही ब्रीड होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में। और कहाँ पाई जाती हैं? और पाई जाती हैं पंजाब में, पंजाब में, राजस्थान और पंजाब में ये लोही ब्रीड ऑफ सीप पाई जाती हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सॉर्टर डिजीज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको देख के नहीं लगता है कि ये उन लोगों को होता है जो ऊल इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि ऊल इंडस्ट्री जो है दोस्तों बहुत से लोगों के जीवन यापन का एक साधन होता है। ये जॉब जो है बहुत रिस्की होता है, क्योंकि कभी कभी जो वूल जिनसे प्राप्त होता है वो एनिमल किससे इन्फेक्ट होते हैं? एक बैक्टीरिया से, जिसे कहते हैं एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, जो उनके अंदर बहुत घातक बीमारी पैदा करती है, जिसे कहते हैं सॉर्टर डिजीज। तो याद रखिएगा सॉर्टर डिजीज किसको होता है? जो वूल इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं उनको होता है, क्योंकि वो
जो ऊल होता है वो किससे इन्फेक्टेड होता है? एक बैक्टीरिया जिसे एंथ्रेक्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, किससे इन्फेक्टेड होता है? बैक्टीरिया एंथ्रेक्स से, और उनके अंदर क्या है, एक घातक बीमारी पैदा करता है जिसे सॉर्टर डिजीज कहते हैं। दोस्तों, अभी हमने बताया था कि जो सिल्क फाइबर है वो किससे ऑब्टेन होता है। सिल्क फाइबर नेचुरल फाइबर के अंतर्गत आता है। ये ऑब्टेन होता है ककून ऑफ सिल्क वर्म से। तो अब हम पहले ये जो है सिल्क वर्म कैसे रेयरिंग की जाती है इससे सिल्क की, तो इसकी हम लाइफ स्टाइल पूरी देखेंगे। ये आप देख रहे होंगे फीमेल सिल्क वर्म है। ये मॉथ जो है एग दे देती है। ये किस पे देती है? ये जो ये मलबेरी का एक प्लांट है। ये क्या है? एक मलबेरी का एक प्लांट है, मलबेरी का प्लांट है। तो ये फीमेल सिल्क वर्म जो अंडे देती है वो इसकी लीव्स पे दे देती है। इसके लीव्स पे अंडे अपने दे देती है। फिर ये इसका जो एग होता है वो क्या करता है? इसका जो एग होता है, मान लो ये फीमेल 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 सिल्क वर्म, ये एग किस पे देती है? एग देती है लीव्स लीव्स ऑफ द मलबेरी प्लांट। फिर इसके बाद जो है ये लार्वा लार्वा जो इससे निकलता है, लार्वा लार्वा जो निकलता है इससे, ये लार्वा जो इससे निकलता है वो क्या करता है? इसका लार्वा कहलाता है कैटर कैटरपिलर कैटरपिलर। इसका जो लार्वा होता है दोस्तों वो कैटरपिलर कहलाता है। आप ये देख रहे होंगे किसका जो लार्वा है वो कैटरपिलर है, कैटरपिलर है। ये फीड किसको करता है? ये जो मलबेरी की लीव्स है उसको खाता है। फिर यही लार्वा किसमें चेंज हो जाता है? लार्वा चेंज होता है किसमें? प्यूपा में। प्यूपा में फिर प्यूपा के बाद दोस्तों क्या बनता है? ककून बनता है। तो आप देखिएगा कि चूंकि अभी अंडे दिया इसने लीव्स ऑफ मलबेरी प्लांट पे, फिर इसका जो लार्वा होता है वो इसकी पत्तियों को खाता है। इस दौरान क्या होता है कि ये जो है जब लीव्स ऑफ मलबेरी प्लांट पे ये लार्वा होता है तो ये क्या करता है, अपने अराउंड जो है एक इर्द गिर्द क्या कर लेता है, एक जाल बुन लेता है। अपने अराउंड क्या कर देता है? एक जाल बुन लेता है, जिसकी वजह से ये उस स्थान से चिपका रहता है। जब ये अपने सिर का क्या करता है, सिर का ऐसे मूवमेंट करता है, तो उस दौरान क्या होता है, मूवमेंट करता है तो पतले तार के रूप में क्या निकलता है, पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ, प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो क्या होता है, कठोर होके बन जाता है रेशा। तो इस तरह कैटरपिलर जो है अपने आप को पूरी तरह से उस रेशम के रेशे से ढक लेता है। रेशम के रेशे से जब ढक लेता है तो उसका ये जो आवरण होता है ये क्या बन जाता है, प्यूपा प्यूपा। और यही प्यूपा जो है जब पूरी तरह से अपने आप को ढक लेता है तो यही प्यूपा इसका किसमें, ककून में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस ककून से क्या करते हैं, रेशम रेशम के रेशे को पृथक कर उनका संसाधन किया जाता है, जिससे रेशम का धागा बनाया जाता है। तो सिल्क में क्या है कि जो सिल्क वर्म से क्या है ऑप्टेन करना सिल्क को कहलाता है सेरीकल्चर। तो ये अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेयरिंग ऑफ द सिल्क वर्म फॉर ऑप्टेनिंग द सिल्क उसे कहते हैं सेरीकल्चर। और मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ कौन सा है? मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ जो है वो मलबेरी सिल्क मॉथ है, क्योंकि ये सिल्क मॉथ जो होता है ये मलबेरी के लीव्स पे अपने अंडे देता है। फिर ये अंडा जो होता है उसका लार्वा में चेंज हो जाता है। लार्वा में चेंज होने के बाद वो प्यूपा में चेंज होता है। प्यूपा के बाद ककून में चेंज होता है, क्योंकि ये प्यूपा के दौरान अपने आप को रेशम के धागों से बनी संरचना से पूरी तरह से ढक लेता है। फिर उसके बाद ये ककून में चेंज हो जाता है। फिर ककून से क्या करते हैं, रेशम के रेशों को पृथक कर इनका क्या करता है, संसाधन किया जाता है। फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे कि क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर वो थर्मामीटर होता है जो केवल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को जिससे हम नापते हैं वो क्या कहलाता है, वो क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है। और इसकी रेंज कितनी होती है,
से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। 200 इसकी रेंज इतनी क्यों होती है? इतनी ही क्यों होती है? क्योंकि क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी उसका जो टेम्परेचर होता है ना तो 35 से ना तो 35 से कम होता है और ना ना 42 से 42 से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। इसलिए इसका रेंज कितना होता है? 35 से 42। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर उसे कहते हैं जिसे हम लैब में यूज करते हैं। ये जनरली टेम्परेचर कितने रेंज की मापता है? -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। दोस्तों थर्मामीटर के बारे में एक इम्पोर्टेंट नोट है, इसके बारे में बहुत सारा कंसर्न है कि थर्मामीटर में क्या यूज होती है। मरकरी यूज होती है। मरकरी बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है और इसको जो है डिफिकल्ट है बहुत डिस्पोज करना, कब? जब थर्मामीटर तुम्हारा ब्रेक हो जाए। इसलिए आजकल कैसे थर्मामीटर आते हैं? डिजिटल थर्मामीटर आते हैं और इसमें मरकरी यूज नहीं होती है। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे कि ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होती है। पहली प्रोसेस है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है कि हीट ट्रांसफर होना, कहाँ से? जो हॉटर एंड है वहां से कोल्डर एंड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसे कहते हैं कंडक्शन। ये प्रोसेस किसमें होती है? ये प्रोसेस होती है सॉलिड में। चूंकि दोस्तों मैंने पिछली क्लास में बताया था कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर किसे कहते हैं? जो अपने अंदर से अलाउ करते हैं हीट को पास होने से इजिली, मतलब उनके अंदर से हीट आसानी से पास हो जाती है, उन्हें कंडक्टर कहते हैं। इसमें हमारे मेटल आते हैं। और कुछ अलग किसे कहते हैं? कुछ अलग उसे कहते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं, डू नॉट अलाउ हीट टू पास देम, उसे क्या कहते हैं? उसे कुछ अलग कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसका एग्जाम्पल प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया। चूंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट, हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जो वाटर होता है हमारा और एयर होता है, ये क्या है? उष्मा का कुछ अलग है। तो इसमें हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? ये इम्पोर्टेंट है कि अगर एयर और वाटर उष्मा का कुछ अलग है तो इसमें हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। दोस्तों इसको समझने के लिए हम एक बीकर लेते हैं। ये बीकर क्या है? पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। अब इसे बर्नर लगा के हम क्या करते हैं? बर्नर लगा के हम इस पानी को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये जो आग जल रही, इसके पास का पानी जो है जल्दी गर्म हो जाता है। ये गर्म जल होके ऊपर उठ जाता है, फिर इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान ले लेता है। फिर वही प्रोसेस चलती है। ये गर्म जल जो है गर्म होके ऊपर उठ जाता है तथा इनके पास की ठंडा जल उसका स्थान ले लेता है। इस तरह से ये जल गर्म होके ऊपर उठता रहता है और इसके आसपास का ठंडा जल इसका स्थान लेता रहता है। ये प्रोसेस तब तक चलती है, कब तक? तब तक चलती है जब तक सारा 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 जल गर्म ना हो जाए। तो इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को कहते हैं संवहन। संवहन इस विधि को क्या कहते हैं? संवहन। तो हीट ट्रांसफर जो है गैसेस और लिक्विड में किस मेथड के द्वारा होता है? संवहन या कन्वेक्शन मेथड के द्वारा होता है। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन के द्वारा जो हीट का ट्रांसफर होता है उसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, जो सूर्य से आता है प्रकाश, उसके चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है।
दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सी ब्रीज क्या होता है और लैंड ब्रीज क्या होता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। तो सी ब्रीज का मतलब है समुद्र, समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी हवा जो जमीन पे आती है वही कहलाता है सी ब्रीज। सी का मतलब है समुद्र, सी जिस नाम में सी हो मतलब समुद्र की ओर से आएगी ठंडी हवा। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों ये दिन का टाइम है, दिन का टाइम है, दिन का टाइम है, और ये जमीन दिखाया गर्म हो गई है तो ये ठंडी हवा ऐसे सर्कुलेट करे। आप ये देख रहे होंगे तीर के द्वारा इसमें दिखाया गया है समुद्र से ठंडी हवा कहाँ जा रही है, समुद्र से ठंडी हवा लैंड पे जा रही है। तो दोस्तों अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जो कोस्टल एरिया होते हैं उसमें दिन के समय क्या होता है, लैंड बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है वाटर की अपेक्षा, तो जो एयर होती है लैंड की वो गर्म होके क्या होती है, वो ऊपर उठ जाती है। फिर जो है ठंडी हवा समुद्र से आती है कहाँ पे, लैंड पे, उस गर्म हवा का स्थान लेने के लिए। और गर्म हवा जो है लैंड से वो मूव करती है कहाँ, सी की तरफ, यही कहलाता है सी ब्रीज। मतलब ये है, कहने का मतलब कि दिन में जमीन जो है बहुत तेजी से गर्म होता है पानी की अपेक्षा, इसलिए जो जमीन की गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाती है। फिर समुद्र से ठंडी हवा कहाँ आती है, लैंड पे, यही क्या है, ये सी ब्रीज, ये इसी को कहते हैं सी ब्रीज। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों लैंड ब्रीज क्या होता है। आप ये देख रहे होंगे नाइट का टाइम है, नाइट का टाइम है, और जमीन से लैंड से जो हवा कहाँ जा रही है, तीर के द्वारा आप देख रहे होंगे लैंड से हवा जा रही है सी में, तो कहलाता है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज का मतलब है स्थल, स्थल की ओर से ठंडी वायु कहाँ जाए, ठंडी वायु समुद्र की ओर जाए, उसे क्या कहते हैं, लैंड, लैंड ब्रीज। तो जो रात होता है दोस्तों उस टाइम क्या होता है, वाटर जो होता है वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है लैंड की अपेक्षा, इस वजह से जो है ठंडी हवा, कूल एयर जो होती है फ्रॉम द लैंड, वो कहाँ मूव करती है, वो मूव करती है टुवर्ड सी, इसी को कहते हैं लैंड ब्रीज। दोस्तों इसमें एक नोट बताया गया है कि डार्क कलर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एब्जॉर्ब करता है मोर हीट इन कंपैरिजन टू लाइट कलर ऑब्जेक्ट। इस वजह से क्या है, इस वजह से हम गर्मियों में जो है लाइट कलर में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। दूसरा, वूलन क्लॉथ जो है वो हमें गर्म रखता है विंटर के दौरान, क्यों, क्योंकि जो ऊल होता है वो पूर कंडक्टर ऑफ द हीट होता है, इस वजह से जो है वूलन कपड़े हमें ठंडियों में क्या है, गर्म रखते हैं। दोस्तों अब हम इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर का मतलब होता है क्या, सूचक, हिंदी में इसे कहते हैं सूचक। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, उसका टेस्ट करने के लिए विशेष पदार्थों का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे सूचक कहते हैं। सूचकों को जब अम्लीय और क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग जो है वो बदल जाता है। अब हम सूचक की परिभाषा देखेंगे। अभी हमने बताया कि ये स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए एसिड या बेस का, इसलिए उन्हें इंडिकेटर या सूचक कहते हैं। ये अपने कलर को चेंज कर लेते हैं कब, जब हम उनको ऐड करते हैं सल्यूशन में जो कंटेन करता है एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस, तो ये इंडिकेटर अपना कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो फिनाफ्थलीन है ये पिंक कलर देता है कब, जब सोल्यूशन इस बेसिक होता है। मान लो कोई बेसिक सोल्यूशन है, इसमें फेनोफ्थलीन डाला तो ये क्या करता है, ये पिंक कलर देता है,
और कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है इसमें फिनॉक्थेलिन डालने पे ये सॉल्यूशन कैसा रह जाता है, ये कलरलेस रह जाता है, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा एसिड किस में पाया जाता है, तो जो एसिटिक एसिड है ये किस में पाया जाता है, ये विनेगर में पाया जाता है। सिरके में जो फॉर्मिक एसिड है ये किस में पाया जाता है, ऑन्ट की स्टिंग में जो हमें चींटियां बाइट कर लेती हैं उस दौरान क्या रिलीज करती हैं, वो फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन में रिलीज कर देती हैं। और सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं ऑरेंज हो गया लीमन हो गया उसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है दोस्तों, सी से याद रखिएगा इसमें डबल सी आ रहा है, लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड जो है पाया जाता है स्पिनेच, या इसे क्या कहते हैं हम लोग पालक कहते हैं, पालक कहते हैं, इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी किस में पाया जाता है, जितनी भी खट्टी चीजें हो गई अमला हो गया सिट्रस फ्रूट हो गया उसमें एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी पाया जाता है। टार्टरिक एसिड किस में पाया जाएगा दोस्तों, इसके नाम से याद रखिएगा, टी से टार्टरिक, टी से टर्मरिंडर, तो इमली में जरूर पाया जाएगा, ग्रेप्स में पाया जाता है और कच्चे आम में भी पाया जाता है टार्टरिक एसिड। दोस्तों ये कुछ बेस हैं, ये किस में पाए जाते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये लाइम वाटर में पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है विंडो क्लीनर होता है जिससे हम लोग अपने घर की खिड़कियों को साफ करते हैं, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है सोप में पाया जाता है, क्योंकि जो सोप होता है साल्ट होता है हायर फैटी एसिड्स का जिसमें सोडियम और पोटेशियम इंक्लूड होता है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में, साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ये यूज होता है एज ए एंटी एंटा एसिड एंटा एसिड एंटा एसिड्स। दोस्तों अब हम देखेंगे कि लिटमस क्या है, लिटमस क्या है, लिटमस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि एक ऐसी नेचुरल डाई का नाम बताओ, नेचुरल डाई है लिटमस, यह ऑप्टेन किस में होता है, एल से लिटमस, एल से लाइकेन, तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है हमें, जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो इसका रंग क्या हो जाता है लाल। इसको आप अनिल से याद रखिएगा, अनिल अनिल, ए से क्या है, ए से एसिड हो गया, एसिड हो गया, एसिड हो गया, जब एसिडिक सॉल्यूशन में हम इसको ऐड करते हैं तो इसका रंग क्या हो जाता है लाल लाल। और जब हम इसको ऐड करते हैं बेसिक सॉल्यूशन में तो इसका रंग हो जाता है नीला, नीला हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली ये अवेलेबल होता है रेड और ब्लू लिटमस पेपर के रूप में, ये आप देख रहे होंगे ये लाइकेन है, ये लाइकेन है, इसी से क्या निकलता है, इससे हमें लिटमस प्राप्त होता है, लिटमस प्राप्त होता है जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, तो उसका मान लो एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया तो इसका रंग कैसा हो जाता है, इसका रंग लाल हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया तो इसका रंग कैसा नीला हो जाता है। ये आप देख रहे होंगे अभी बताया गया कि लिटमस पेपर नॉर्मली अवेलेबल होता है रेड और ब्लू लिटमस पेपर के रूप में, तो ये लिटमस पेपर है, इसका यूज करके हम एसिड और बेस का टेस्ट करते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं विच डू नॉट चेंज आइदर आइदर रेड और ब्लू ब्लू, बिकॉज दीज सब्सटेंस नाइदर एसिडिक एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर नॉर बेसिक इन नेचर, इसलिए वो अपना कलर चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि वो ना तो एसिड्स होते हैं और ना बेस होते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन।
और न्यूट्रलाइजेशन दोस्तों किसे कहते हैं? तब न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है रिएक्शन किसके किसके बीच में होना, एसिड और बेस के बीच में होना, और उस समय क्या बनता है, सॉल्ट बन जाना। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कोई एसिड मैंने लिया, मान लो HCl लिया और इसमें एक बेस डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया मैंने HCl और स्ट्रॉन्ग बेस डाला NaOH, तो एक सॉल्ट बनेगा NaCl का, और इसके साथ में वाटर बनेगा और क्या होगा, हीट हीट जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। तो यही रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन साल्ट का बनना कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन। अब इनडाइजेशन क्या है दोस्तों? इसे हिंदी में कहते हैं अपाचन। अपाचन जब हमारे पेट में क्या होता है, बहुत ज्यादा एसिड बनता है, मच ऑफ एसिड इन स्टमक, तो ये क्या करता है, वो उस टाइम क्या करता है, ये इनडाइजेशन कॉज करता है। कभी कभी ये बहुत पेनफुल होता है, तो हम इसको कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, इसके लिए हमने अभी पीछे ही बताया था कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, मैग्नीशिया ये एक एंटा एसिड्स होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं, जो वो इफेक्ट है एक्सेस एसिड का, उसको ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो फार्मिक एसिड्स के बारे में, जब हमें चींटियां काटती हैं तो उस टाइम क्या है, ये फार्मिक एसिड जो है हमारे स्किन में क्या है, ये फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देती हैं। अब इस एसिड को न्यूट्रलाइज हम कैसे करेंगे? तो इसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे नमी युक्त मॉइस्ट खाने वाला सोडा लेंगे, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। दोस्तों इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने वाला सोडा हम किसे कहते हैं, खाने वाला सोडा किसे कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। तो हम इस एसिड के इफेक्ट को कैसे खत्म करेंगे? नमी युक्त खाने वाला सोडा लेंगे या एक कैलामाइन सल्यूशन लेंगे। कैलामाइन सल्यूशन लेंगे जो क्या कंटेन करता है, जिंक कार्बोनेट। तो इसकी वजह से जब हम इसको जो है स्किन पे रब करेंगे तो ये इसके फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को क्या करेगा, खत्म कर देगा। इसके बाद दोस्तों क्या है, सॉयल ट्रीटमेंट। जो हमारे प्लांट होते हैं वो ना तो ग्रो करते हैं कहाँ, सॉयल में जिसमें बहुत ज्यादा एसिड हो, और ना तो ग्रो करते हैं इसमें बहुत ज्यादा बेस हो। तो हम क्या करेंगे, अगर सॉयल बहुत ज्यादा एसिडिक है, अगर सॉयल बहुत ज्यादा एसिडिक है तो हम इसको ट्रीट करेंगे किससे? तो हम इसको ट्रीट करेंगे क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम, या स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्विक लाइम किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विक लाइम किसे कहते हैं, CaO को कहते हैं, और स्लैग्ड लाइम किसे कहते हैं, स्लैग्ड लाइम कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस। तो अगर सॉइल बहुत एसिडिक है तो उसको ट्रीट करेंगे हम क्विक लाइम या स्लैग्ड लाइम से, अगर सॉइल बहुत बेसिक है तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट डालेंगे, उसमें खाद ऐड कर देंगे। अब इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग कि फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज से पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब शेप, साइज, कलर और स्टेट, स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या कहलाता है उसका, ये कहलाता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, इन फिजिकल प्रॉपर्टी के परिवर्तन को ही हम कहते हैं फिजिकल चेंज। आप लोग जानते होंगे दूध से दही का बनना भी एक परिवर्तन है, दूध का खट्टा हो जाना एक परिवर्तन है, कोई रबर बैंड है उसको आपने खींच दिया तो ये भी एक खिंचा हुआ रबर बैंड, ये भी एक परिवर्तन है। तो अभी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया कि शेप, साइज, कलर और स्टेट ऑफ सब्सटेंस उसकी क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। जब चेंज होता है किसमें, जब चेंज होता है इन फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो यही कहलाता है फिजिकल चेंज। ये जनरली रिवर्सिबल होता है, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो सॉलिड हमने लिया, सॉलिड से क्या है, सॉलिड के रूप में मान लो आइस है, तो ये आइस भी वाटर है, और ये लिक्विड में जब चेंज हुआ तो ये वाटर हो गया, वाटर हो गया ये भी आइस ही है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, सॉलिड को फ्यूजन के द्वारा लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको जो है सॉलिडिफिकेशन के द्वारा दोबारा फिर आइस प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो रही है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज दोस्तों वह चेंज है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस बनते हैं, वो कहलाता है केमिकल चेंज। आप देख रहे होंगे कॉपर सल्फेट का ये सल्यूशन है, नीले कलर का कॉपर सल्फेट को हम क्या कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। कॉपर सल्फेट ये नीले कलर का है, इसमें हमने आयरन डाला, आयरन के रूप में ये ब्लेड दिया हुआ है, इसमें हमने आयरन डाला, फिर आयरन को क्या है, आयरन को निकाल लिया तो एक नया कंपाउंड बनता है Fe(SO4) जो ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इस पानी का रंग क्या होता है, नीले से क्या होता है ग्रीन, या हम कह सकते हैं हरा हो जाता है इस पानी का कलर। और आप ये देख रहे होंगे ब्लेड पे क्या है, कुछ जो है भूरे रंग का डिपोजिशन है। तो ये जो ब्लेड के ऊपर भूरे रंग का डिपोजिशन है, कॉपर इस पे क्या होता है, इस पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से इस ब्लेड का रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे रस्टिंग क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। रस्टिंग के लिए क्या चाहिए दोस्तों, रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है। मान लो ये कोई लोहे की चीज है, वायुमंडल में ऑक्सीजन है और नमी युक्त है, वाटर है, तो ये क्या करेगा, इसमें रस्ट या जंग लगाएगा। इसका रस्ट का फार्मूला दोस्तों इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है आयरन ऑक्साइड या हम कह सकते हैं Fe2O3 होता है। क्योंकि दोस्तों रस्टिंग की वजह से बहुत से आर्टिकल जो होते हैं ये आयरन के, इनको ये धीरे धीरे अफेक्ट करता है और उन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हम रस्टिंग से अपनी चीजों को कैसे बचा पाएंगे, रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर ग्रीस या पेंट अप्लाई करेंगे आयरन के ऊपर, या हम उसके ऊपर क्या चढ़ाएंगे, लेयर ऑफ मेटल जिंक या क्रोमियम की इसके ऊपर चढ़ाएंगे, किसके, आयरन के ऊपर। तो जो ये प्रोसेस होती है प्रोसेस ऑफ डिपॉजिंग डिपॉजिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, ये क्या कहलाता है दोस्तों, यह कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मैंने क्लास 6 में भी बताया था। गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं, जिंक की लेयर का आयरन के ऊपर डिपॉजिट करना ही कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। दोस्तों स्टेनलेस स्टील क्या होती है, स्टेनलेस स्टील वो स्टील होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें जंग नहीं लगती है, मतलब इसमें रस्टिंग प्रोसेस नहीं होती है। तो ये स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है, ये बना होता है मेड बाय, कैसे, हम मिक्स करते हैं आयरन को किसके साथ, आयरन को कार्बन के साथ और मेटल लाइक क्रोमियम, क्रोमियम निकिल और मैग्नीज के साथ मिलाते हैं आयरन को, तो क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। ये स्टील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगती है। जब किसी भी चीज में जंग नहीं लगेगी तो वो आयरन का जो आर्टिकल होगा वो खराब नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस नोट्स में ऊल के बारे में पढ़ा। ऊल से एक बीमारी सॉटर डिजीज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होती है। और हमने सिल्क वर्म के बारे में पढ़ा, सेरीकल्चर किसे कहते हैं, रेयरिंग ऑफ द सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क, उसे सेरीकल्चर कहते हैं। और इम्पोर्टेंट एक बहुत हमने पढ़ा, कन्वेक्शन किसमें होता है, कन्वेक्शन लिक्विड एंड गैसेस में होता है, हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के द्वारा या संवहन मेथड के द्वारा होता है। और हमने इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी, सी ब्रीज क्या है और लैंड ब्रीज क्या है।
हमने इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि खाने वाले सोडे का फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला NaSCO3 होता है, और जो क्विक लाइम होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला CaO होता है, और स्लैक्ड लाइम का फार्मूला COH का होल ट्वाइस होता है। एंटासिड किसे कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कहते हैं, इसका फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। ये एक्सेस ऑफ एसिड जो होती है उसके इफेक्ट को क्या करता है, उसके इफेक्ट को खत्म करता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस लेक्चर में इंडिकेटर, रस्टिंग, वूल इन सब के बारे में पढ़ा। कल के लेक्चर में हम वेदर से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यदि आपको कोई डाउट रह जाता है या कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।